क्या बात लास्ट फेज है कल इलेक्शन का, असेंबली कैसे आप इसको देख रहे हैं, वोटरों से क्या उम्मीद है, खासकर फारूक को मिला क्या उम्मीद हो सकती है? क्या अल्लाह करे कि इनको सही फैसला करे, इस रियासत के तशख्स को वापस ला सके और हम लोग आजादी से वोट दे सकें, किसी का दबाव न रहे, खासकर बॉर्डर इलाकों में। पीएम रोज अपने रैलियों में कहते हैं कि वो स्टेडियो उसको हम रेस्टोर करेंगे वापस, मगर अभी तक वो देखने को नहीं मिल, और बार बार वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट कर रहे हैं हर एक रैली में। मैं बहुत खुश हूं, वही तो उनको चुपता है, बहुत अच्छी बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो इनका मुकाबला कर रही है और इंशाल्लाह इनको उस हार को देखना पड़ेगा जो आने वाली है इनके लिए। बोल रहे हैं जो 307 है उसको दफन किया गया है कि वो अब रेस्टोर, ये तो हर चीज को दफन कर रहे हैं जी। इनका भी एक दिन आएगा ये भी दफन हो जाएंगे। तो क्या कर सकते, तो अमित शाह ने आज रैली में गुड़गांव में कहा कि जो वक्फ बोर्ड की बिल है उसको हम इस विंटर में पास कर लेंगे, और जो पुरानी बिल भी थी, बिल थी वो ठीक नहीं थी, आने वाले दिनों में अच्छा देखने को मिलेगा बिल्कुल। देखिए आगे क्या होता है, इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। स्टैंड रहेगा इस पे अगर बिल पास हो गई जनाब, हम लोग अपनी तरफ से पहले बिल को देखेंगे क्योंकि ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गई है, इस पे जरूर कुछ न कुछ कहा जाएगा। जब ये आएगी हाउस में उसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या है, उसके मुताबिक हम लोग इंडिया गठबंधन में है, जो सबका फैसला होगा हम इकट्ठे उनके साथ फैसला करेंगे। कल वोटरों से क्या अपील रहेगी, खासकर वोटरों से क्या अपील रहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की? अल्लाह करे कि वो सही फैसला करे, यही मेरा उनसे कहना है। थैंक यू।